वॉचिंग आवर चैनल बॉलीवुड फॉर्म। तो टॉपिक पर आने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी वुमन, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम डिजिटल इंडिया बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे सभी कुछ ऑनलाइन होने लगा है और उससे ज्यादा सोशल मीडिया का क्रेज छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक पहुंच चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से पर्सनली जुड़ चुकी है। अब बता दें कि जितना ज्यादा एक्टर्स अपने फैन से जुड़े हैं डिजिटली, आजकल बहुत आसानी से उन्हें कमेंट किया जा सकता है। ऐसे में स्क्रीन और मोबाइल फोन्स के पीछे बैठे हुए वो कुछ लोग जो अपने शब्दों से व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस से, और इन कमेंट्स का शिकार होती हैं एक्ट्रेसेस। ओवरवेट, वेट लॉस, कलर को लेकर उनके लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटली आगे बढ़ना बहुत अच्छा है, बट क्या गलत तरीके से सोशल मीडिया का यूज ठीक है? इससे पहले बॉडी शेमिंग की डेफिनेशन बता देते हैं। बॉडी शेमिंग इज द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट अ पर्सन्स बॉडी, और वो कोई भी बॉडी पार्ट को लेकर हो सकता है। तो चलिए आपको ऐसे ही कुछ फेमस एक्ट्रेस दिखाती हूँ जो अब तक अपने बॉडी शेमिंग को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हुई। नंबर वन, सोनाक्षी सिन्हा। दबंग फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली सोनाक्षी भी अपने ओवरवेट को लेकर ट्रोल हो गए, जिसका असर उन पर दिख रहा था। वो परेशान रहने लगी, बट फिर सोनाक्षी खुलकर सामने आई और इन सब कमेंट्स पर ध्यान देना छोड़कर उन्होंने अपने काम पर ही फोकस किया। एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने बताया कि स्कूल और कॉलेज से ही उन्हें ओवरवेट के लिए कमेंट्स मिलते थे और बुली किया जाता था, जिसके बाद से सोनाक्षी ने इन कमेंट्स को इग्नोर कर दिया और उन्होंने बोला कि वो अपने सिंपल तरीकों से हेल्दी लाइफ अपनाएगी, चाहे उसमें कितना ही टाइम क्यों ना लगे। उन्होंने सप्लीमेंट्स लेकर 2 महीने में वेट लॉस करने के तरीके को गलत बताया। नंबर 2, विद्या बालन। विमेन सेंट्रिक फिल्म की क्वीन कही जाने वाली विद्या एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें अपनी फिल्म में कोई सुपरस्टार हीरो की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने दम पर फिल्म हिट कर लेती है। बट हमेशा ऐसा नहीं था। विद्या ने दूरदर्शन के शो हम 5 से इंडस्ट्री में एंट्री ली, फिर तमिल मलयालम सिनेमा में भी उन्होंने काम किया, जहां उनकी इमेज को जिंक्स और बैड लक जैसे नाम मिले और सभी बड़े बड़े डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म देने से भी मना कर दिया। फिर विद्या ने परिणीता से बॉलीवुड में कदम रखा और बस हिट फिल्म दे डाली। ऐसे में आगे चलकर उनके ओवरवेट या बैड फैशन स्टाइल को मुद्दा बनाया गया, जिस पर एक बार विद्या ने कहा कि उनका मोटापा जैसे एक नेशनल इशू बन गया था। उन्हें अपनी बॉडी से चिढ़ होने लगी, लेकिन धीरे धीरे विद्या इन लोगों को इग्नोर करना सीख गई और जिन टर्म्स में उन्हें अपनी लाइफ जीनी है वो वैसे ही जी रही है और साथ ही बेहतरीन काम भी कर रही है। नंबर 3, अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट रही। जी हाँ, रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा तब चर्चा में आई जब 2014 में पीके फिल्म आई। हालांकि फिल्म कितनी हिट रही सभी जानते हैं, पर अनुष्का शर्मा के लिप्स को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। आए दिन उन्हें बेहद भद्दे कमेंट सुनने को मिले, साथ ही लिप सर्जरी को लेकर भी बातें उठी। लेकिन अनुष्का ने इस पर साफ कहा था कि वो कोई सर्जरी नहीं बल्कि इनहेंसिंग टूल का इस्तेमाल किया गया था जिससे उन्हें डिफरेंट लुक दिया जाए। बट तब जो बवाल उठा था वो धीरे धीरे शांत हो गया और अनुष्का ने इन कमेंट्स को भी अपना स्ट्रेस पॉइंट नहीं बनने दिया और आज वो अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश है। नंबर 4, नेहा धूपिया। काफी बोल्ड और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपनी बेबाकी अंदाज की वजह से जानी जाती है, साथ ही 2 ब्यूटीफुल से किड्स की मॉम बनकर वो बेहद खुश है। लेकिन उन्हें भी फैट शेमिंग के लिए ट्रोल किया गया था और नेहा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्री में स्लिम ट्रिम जीरो फिगर एक्टर और मॉडल की ही जरूरत पड़ती है और फैट एक्ट्रेस को उन्हीं स्टीरियोटाइप्स और जजमेंट से गुजरना पड़ता है। साथ ही नेहा ने बताया कि उन्होंने ऐसे टॉक्सिक कॉमेंट्स और पीपल्स ओपिनियन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, साथ ही उनको जो खुशी और कॉन्फिडेंस देता है वो वही कपड़े पहनना पसंद करती है क्योंकि उन्हें लगता है नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ लव। नंबर 5, जरीन खान। 2010 में आई फिल्म वीर से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान काफी टाइम से इंडस्ट्री में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। लेकिन जरीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो कॉलेज टाइम में उनका वेट 100 kg था तब उन्हें ऐसे कोई फैटी कॉमेंट्स नहीं किए गए, बट जब वो इंडस्ट्री में आधा वेट कम कर चुकी थी तब उन्हें ऐसा कहा गया, जो उनके लिए वियर्ड तो था ही लेकिन उन्हें ऐसे कॉमेंट्स ने कभी अफेक्ट नहीं किया।
क्योंकि ऐसा फैंस या ऑडियंस ही नहीं कहती, ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री में भी है जहां सिर्फ स्लिम ट्रिम लड़कियों को ही एंट्री दी जाती है। बस एक तारा सुतारिया, जस्ट सी द स्वीट लाइफ और करण एंड कबीर जैसे टीवी शो से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में एंट्री ली। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन तारा को भी बॉडी शेमिंग को लेके काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें लोगों ने एनोरेक्सिक कहा, यानी कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को अपना वेट घटाने की सनक सवार हो जाती है। एक इंटरव्यू में तारा ने कहा कि लोग कभी आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ऐसी आलोचनाएं सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए की जाती है, लेकिन अब उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7, दीपिका पादुकोण। ओम शांति ओम की एक्ट्रेस दीपिका नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल क्रश भी है। फॉर एंडोर्सिंग ज्वेलरी के लिए एक तस्वीर दीपिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट की, जिसमें वो काफी खूबसूरत एंड बोल्ड लुक में नजर आ रही थी। बट यूजर्स ने उस पिक्चर पर इतने भद्दे कमेंट्स किए, कोई कहता OMG कैन सी ओनली बोन्स, प्लीज ईट प्रॉपरली, यू लुक बेटर बिफोर, यू लुक टू वीक, डेड बॉडी ऑफ चिपिका। आफ्टर दोस कमेंट्स दीपिका ने चुप रहकर ही सब कुछ कह दिया कि उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 8, ऐश्वर्या राय। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से पूरा वर्ल्ड वाकिफ है, लेकिन उनकी बेटी आराध्या के होने के बाद ऐश ने काफी वेट गेन कर लिया, जिस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ा। ऐसे में ऐश्वर्या तो चुप रही, पर अभिषेक बच्चन ने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या एक पब्लिक फिगर होने के साथ साथ एक विमेन है जिसकी शायद सभी को कद्र करनी चाहिए, और सच बात है कि हर वक्त एक्ट्रेस आपको फ्लॉन्ट और ग्लैमरस लुक में नजर नहीं आ सकती, उनकी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है। नंबर 9, प्रियंका चोपड़ा। एक एक्टर, प्रोड्यूसर, ऑथर और एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल ब्यूटी प्रियंका चोपड़ा की अनगिनत अचीवमेंट्स के बावजूद उन्हें भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, जहां उन्हें एजिंग और ओवरवेट को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा। बट प्रियंका अपने हिसाब से चली और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनका जो मन होता है वो खाती है, चाहे रात के 1 बजे पिज्जा ही का मन क्यों ना हो। तो इट्स अ बिग स्लैप ऑन ट्रोलर्स फेस। नंबर 10, करीना कपूर। बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर को फैशन आइकन जैसे टैग्स मिले हुए हैं, बिकॉज शी नोज हाउ टू कैरी ग्लैमर। बट हैट्स ऑफ, जहां काफी एक्ट्रेस ने सरोगेसी से बेबीज किए फिगर मेंटेन करने के लिए, लेकिन करीना ने अपने फिगर के बारे में सोचे बगैर दूसरा बेबी किया एंड शी गेन्ड वेट। और बस सोशल मीडिया में जब लैक्मे फैशन वीक की फोटोज बाहर आई तो ट्रोलर्स ने करीना को आंटी, ओवरवेट जैसे कमेंट्स किए। आप खुद सोच सकते हैं कि एक बार जिसे इतने खूबसूरत होने के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों और सडन लोगों का ऐसा जजमेंट कितना हर्टफुल होगा। लेकिन बेबो ने उन कमेंट्स को अपनी हील्स पर रख के कॉन्फिडेंस के साथ रैंप पर छा गए। तो ऐसे ही कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉडी शेमिंग जैसी चीजों पर ध्यान ना देकर अपने हिसाब से लाइफ को जिया है, और यही करना भी चाहिए क्योंकि किसी को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ऐसी और भी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें ये सब झेलना पड़ा। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं एक्ट्रेस की बॉडी शेमिंग पर कमेंट को लेकर, और क्या आपने भी ऐसे कुछ झेला है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।